वेलकम टू ए के एस ऑनलाइन स्टडी। हम लोग UPPCL की वैकेंसी आने वाली है, उसमें कंप्यूटर सेक्शन को आज हम लोग देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ऑफिस असिस्टेंट का ये पेपर है। ये 7 अक्टूबर 2018 को ये पेपर हुआ था। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसको देख लेंगे। इससे पहले कि वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको UPPCL से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिल जाएगी। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि टू यूज टैब्स और इंडिकेशन विद इन अ सेल ऑफ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वन कैन यूज द की कॉम्बिनेशन। कुछ क्वेश्चन इसमें हिंदी में होंगे, कुछ इंग्लिश में होंगे, क्योंकि ये पेपर जिसका है उसने जिस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख के किया है वो इंग्लिश में है, और जिस क्वेश्चन को उसने हिंदी में देख के किया है वो हिंदी में है। तो ये क्वेश्चन पहला इंग्लिश में है। इसमें कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको किसी सेल के अंदर टैब चलाना हो तो उसकी की कॉम्बिनेशन क्या है। अब आपके सामने मैंने खोल दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और खोल दिया, ये टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल कहाँ से क्रिएट होता है, तो टेबल इंसर्ट में जाके यहाँ से आप टेबल को सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें जितने भी आप टैब चलाएंगे तो वो सेल के अंदर मूव होता रहेगा। एक पार्ट को एक सेल कहा जाता है टेबल के अंदर। तो अब ये कह रहा है कि सेल के अंदर ही, एक ही सेल के अंदर अगर हमको टैब चलाना हो तो हम कैसे यूज़ करें। तो कंट्रोल प्लस टैब अगर आप चलाएंगे तो उसी सेल के अंदर टैब चलेगा। तो ये कहना चाह रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कंट्रोल प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑप्शन कैन बी यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 टू ड्रॉ सर्कल। अब 2016 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो उसका क्या ऑप्शन होगा। तो आप डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और सर्किल इनवैलिड डेटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में रोटेट कमांड किसी भी वस्तु को कितना घुमा सकता है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि पावर पॉइंट 2016 अगर आप PPT बना रहे हैं और उसमें आप रोटेट कमांड चलाए तो वो वस्तु एक बार में कितना मूव करेगी, 180, 90, 0 या 360। तो आइए इसको देख लेते हैं, कर लेते हैं। ये मैंने खोल दिया PPT में मैंने स्लाइड्स को हटा दिया, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन आ गया। इस फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करेंगे, इस फॉर्मेट के ऑप्शन पे, तो यहाँ रोटेट का एक कमांड दिया हुआ है। अब इस पे क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन है रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 90 का ऑप्शन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर पूछा था कि क्या है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। रोटेट करेंगे किसी वस्तु को तो एक बार में 90 मूव करेगी। स्क्रीन पर सभी डेस्कटॉप प्रतिरूप यानी कि आइकॉन्स जो स्क्रीन पर दिखते हैं हमारे डेस्कटॉप पे, उनको दिखाने के लिए क्या विकल्प है और उनको छुपाने के लिए क्या विकल्प है। तो दिखाने के लिए होता है शो डेस्कटॉप आइकॉन्स और छुपाने के लिए हाइड डेस्कटॉप ऑप्शन का यूज़ नहीं होता, इसी को अनटिक कर देंगे तो अपने आप हाइड हो जाएगा। इसको देख भी लेते हैं। ये है डेस्कटॉप मेरा, इस डेस्कटॉप पे कुछ आइकन दिख रहे हैं। अब इसको हमें, अगर यहाँ पे हम इसको हटा दिए तो अभी इस डेस्कटॉप पे कोई आइकन नहीं दिख रहा है। दिखाना है जैसा कि उस पेपर में पूछा है, तो हम व्यूज़ पे गए और शो डेस्कटॉप आइकन को हमने क्लिक कर दिया तो आइकन दिखने लगे। तो इस पेपर के हिसाब से इसका आंसर हो गया सी, शो डेस्कटॉप आइकन्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में फाइल एक्सटेंशन PPTM का फुल फॉर्म क्या होता है। आप जानते हैं कि पावर पॉइंट को PPT कहा जाता है और ये इसका एक्सटेंशन .PPT होता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है पावर पॉइंट माइक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पावर पॉइंट माइक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट्स। अब आप जानते हैं कि इंटीजर जो होता है वो 4 बिट डेटा स्टोर करता है, 4 बिट लेता है। अब यहाँ पे सारे इंटीजर हैं, तो सारे इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, तो 0 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट्स। क्वेश्चन अच्छा था, घुमा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए ATX मदरबोर्ड का सर्वाधिक प्रचलित डिज़ाइन है। यहाँ ATX निम्नलिखित में किसका संक्षिप्ताचार है।
मतलब कि ATX मदरबोर्ड बहुत प्रचलित है, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ATX का। ATX का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, एक ऐसा मदरबोर्ड जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक्सटेंड किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर दैट रिप्रेजेंट डेटा एज ए वेरिएबल अक्रॉस कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू, एक ऐसा कंप्यूटर जो कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज की डेट के डेटा को एज ए वेरिएबल स्टोर करता है, उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो उस कंप्यूटर को कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एज ए वेरिएबल स्टोर करता है और एज ए वेरिएबल शो करता है। तो इसका आंसर हो गया ए। ब्राउज़र आर समटाइम्स कॉल्ड एज, जैसे कि हम लोग क्रोम या मोजिला यूज़ करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि उन ब्राउज़र को कभी कभी क्या कहा जा सकता है। तो इसको समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्रोम ओपन किए और फिर हमें कुछ सर्च करना है, तो हमने गूगल खोला और सर्च किया, वो डेटा हमको मिल गया। तो वो डेटा हमको कहाँ से मिलता है? वो डेटा कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबसाइट पे होगा, और वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पे इंस्टॉल होगी। तो उस सर्वर से वो डेटा फेच होके हमें दिखता है। तो जब हम सर्वर से डेटा उठा रहे हैं, तो उस सर्वर के लिए हम क्या हुए? हम उस सर्वर के लिए क्लाइंट हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब क्लाइंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। टर्न ऑफ ऑल एक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ यूज़र बट डजेंट रिस्टार्ट विंडोज़। अब ये पूछ रहा है कि मुझे जो है यूज़र को टर्न ऑफ करना है, लेकिन सिस्टम रिस्टार्ट ना हो। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए आप रिस्टार्ट तो रिस्टार्ट कर देगा, स्लीप सिस्टम को स्लीप कर देगा, हाइबरनेट जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं से स्टार्ट करता है, ये भी सिस्टम को शट डाउन कर देता है। एकमात्र ये है लॉग ऑफ। लॉग ऑफ आपका जिस यूज़र पे आप हैं उसी यूज़र पे आप वापस आ जाएंगे, सिस्टम रिस्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया बी, लॉग ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर इज यूज टू डिलीवर द सेम फॉर्मेटिंग कमांड टू मेनी डिफरेंट स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड पे एक कमांड दें और वो सारी स्लाइडों पे काम करे, तो उस स्लाइड को क्या कहते हैं? जिस स्लाइड पे ये कमांड दिया जाता है उस स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं। जिस पे आप ये कमांड देंगे वो मास्टर स्लाइड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग। अब आपको अगर वेब पेज बनाना है, यानी कि अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट पे आपको क्या करना होगा? तो उस वेबसाइट को HTML फॉर्म में होगी वो वेब पेज, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको HTTP का यूज़ करना होगा, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करना होगा और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिपीट, ये अक्सर आपको रिपीट करने के लिए ब्राउज़र और सर्च इंजन और OS, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन OS नहीं है, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है, इनमें से कौन ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है। तो ये तीन सर्च इंजन है, Node.js ये सर्च इंजन नहीं है, बल्कि ये एक प्रोग्रामिंग है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, जिसको कि JavaScript कहते हैं, उस टाइप का इसका काम है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा Node.js जो है वो सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त ईमेल और सफलतापूर्वक भेजे गए ईमेल आपके मेल अकाउंट के क्रम से कहाँ पर मिलते हैं? प्राप्त ईमेल यानी कि आपको कोई मेल आई है और आपने भेजा है, तो कहाँ मिलेगा? जो आई है वो इनबॉक्स में होगी, और जो आपने भेजा है वो सेंट आइटम में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनबॉक्स और सेंट, यानी कि दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के साथ भेजी गई फाइल्स को क्या कहा जाता है? अगर आपने किसी को ईमेल भेजा है, उसके साथ कोई फाइल अटैच कर रहे हैं, तो उस फाइल को क्या कहा जाता है? तो उसको अटैचमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में पहला भाग। अब जैसे आपने अपना एक ईमेल एड्रेस बनाया है, तो आपने कोई नाम रखा होगा आगे, फिर @ लगाया होगा, और फिर gmail.com या hotmail.com या rediffmail.com आप यूज़ किए होंगे। तो पूछ रहा है पहला भाग क्या होता है? तो पहला भाग आपका यूज़र नेम होता है, और दूसरा भाग क्या होता है? तो जो आपका जीमेल, हॉटमेल या रेडीफ मेल आप यूज़ करते हैं, उसको होस्ट नेम कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूज़र नेम या होस्ट नेम, यूज़र नेम, होस्ट नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वर्तमान वाक्य का चयन करने के लिए आपको F8 की कुंजी कितनी बार दबानी होती है? तो वर्तमान वाक्य का चयन करने के लिए आपको F8 की कुंजी 3 बार दबानी होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इज अ शॉर्ट की कम्बिनेशन टू स्टार्ट PPT। अब आपको PPT को स्टार्ट करने के लिए कौन सा कम्बिनेशन शॉर्ट की यूज़ करना होता है? तो ये हमारे पास है PPT, इसको स्टार्ट करने के लिए मैं Shift और F5 दबा देता हूँ, तो ये स्टार्ट हो गया।